प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने इचाक निवासी पूजा देवी की मुश्किलें काफी हैं। सरकार द्वारा मिल रही सुविधा ने इन्हें पैसे की चिंता से मुक्ति दिलाई है और उन्हें लगता है कि इलाज में अब गरीबी बाधा नहीं बनेगी। अब प्रधानमंत्री के योजना जो निकला है हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है कि हम लोग गरीब आदमी के लिए भी मुफ्त में इलाज हो सकता है। तो इनको आज हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है कि प्रधानमंत्री हम लोग के लिए भी सोच रहे हैं, गरीब लोग के लिए सोच रहे हैं कुछ। चाहे ईटखोरी की त्रिलोकी पासवान हो या फिर गोमिया की रिंकी सिंह, हर कोई इस योजना की तारीफ करते नहीं थकते। ये बाएं साइड में जो है मांस हो गया था, हमने डॉक्टर से दिखवाए तो जो है सब वो डिमांड किए 25,000 रुपया और वो जो है सो हम नहीं करा सक रहे थे। मोदी जी ये योजना निकाले, ऑपरेशन हुआ है वो आयुष्मान भारत जो है वो तुलने के कारण हुआ है, उससे 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ और उससे फायदा हुआ सरकारी योजना का। हजारीबाग में सदर अस्पताल समेत 5 अस्पतालों में इस योजना की सुविधा मरीजों को मिलने लगी है। आरोग्यम केंद्र के प्रशासक बताते हैं कि गरीब परिवारों के लिए ये योजना काफी सहायक है। योजना शुरू हुई थी वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट पेशेंट हम लोग रजिस्टर्ड किए थे और उस दिन से अभी तक 30 रजिस्ट्रेशन है अपने पास, जिसमें लगभग 25 लोगों का इलाज हो गया। आज को मिला के करने तो 30 से ऊपर चला जाएगा, 25 लोगों का ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में, कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ लोग डिस्चार्ज होकर चले गए। आयुष्मान भारत योजना का शुरुआती फलाफल काफी सकारात्मक नजर आ रहा है। हजारीबाग में आसपास के कई जिलों के मरीज भी बेहतर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हजारीबाग से शादवल कुमार की रिपोर्ट।